गुरुवार के दिन किसान के परिवार में उस वक्त कोहरा मच गया जब किसान खेत पर अपनी फसल की निराई कर रहा था, तभी किसान की अचानक से डेथ हो गई। इटावा जनपद के भरतना कोतवाली ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम रामायण में बीती गुरुवार की शाम को 5:30 बजे कृषक राम स्वरूप साके के परिजनों में कोहरा मच गया। बताया जा रहा है जब राम स्वरूप साके के छोटे युवा पुत्र सुदीप साके उर्फ गुड्डन 36 वर्ष की खेत पर टमाटर की फसल की निराई करते समय अचानक दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर टमाटर के खेत में निराई कर रहे अन्य परिजन गुड्डन को तड़पता व मूर्छित देखकर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गुड्डन को मृत घोषित कर दिया। युवा कृषक गुड्डन की मृत्यु की खबर मिलते ही किसान परिवार में कोहरा मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी कानूनी लिखा पढ़ी के बाद तलाक लेकर अपने एक नवजात शिशु के साथ अपने मायके चली गई थी। छोटे भाई गुड्डन की अचानक मृत्यु से उसके दो बड़े भाई अशोक व अनिल सहित परिजनों में कोहरा मचा हुआ है।